भाइयों और बहनों, मिडिल क्लास के लिए पढ़ाई, कमाई, दवाई और महंगाई हर मोर्चे पर सरकार ने राहत देने का प्रयास किया है। एजुकेशन लोन हो या फिर होम लोन, ईएमआई कम हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले होम लोन से तो मध्यम वर्ग के परिवार को 5 से 6 लाख रुपए तक की बचत हो रही है। पहले की सरकारों में मध्यम वर्गीय परिवारों को अगर मकान बनाना हो तो योजना का नामो निशान नहीं था दोस्त, उनको परवाह ही नहीं थी। भाइयों और बहनों, महंगाई जरा याद कीजिए, 2013-14 में महंगाई की स्थिति क्या थी। उसको काबू करने में कांग्रेस पार्टी की एक भी सरकार कभी भी सफल नहीं हुई है। जब अटल जी की सरकार थी महंगाई को काबू करने में हम सफल हुए, और उसके बाद दूसरा मुझे मौका मिला, हम महंगाई को काबू करने में सफल हुए। और अगर पहले वाली सरकार की तरह महंगाई बढ़ती होती, बिना रोक टोक बढ़ती होती, तो आज सामान्य परिवार के रसोई का बजट पूरे परिवार को तबाह कर देता, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, यह स्थिति पैदा होती। बिजली का बिल हो, मोबाइल फोन का बिल हो, स्वास्थ्य से जुड़ा बिल हो, वो पहले की अपेक्षा कम हुआ है। हाल में जो 5 लाख की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स जीरो करने का फैसला सरकार ने किया है, बजट की दृष्टि से आज 1 अप्रैल को नया बजटिंग वर्ष शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, और इसी बजट में हमने 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम को जीरो कर दिया, जीरो कर दिया। इसका लाभ जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जो छोटा कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको सीधा सीधा लाभ मिला है। करोड़ों की तादाद में देश के लोगों को लाभ मिला है। ये मांग पिछले 25 साल से हर सरकार के सामने आई है, लेकिन एक भी सरकार ने इसका निर्णय नहीं किया। ये आपका आशीर्वाद है कि मोदी सरकार ने उस काम को करके दिखाया। लेकिन यहां आप सभी को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि संकेत स्पष्ट है कि अगर 11 अप्रैल को जरा सी भी चूक हो गई, अगर महामिलावट को जरा सा भी अवसर मिल गया, तो ये जो हमने जीरो टैक्स का बेनिफिट तो जाएगा ही, ये सब लूट लेंगे। मैं बताता हूं, ये लोग और ज्यादा बोझ डालने का भी पूरा प्लान बना चुके हैं। और हमारी सरकार 5 साल रही, 5 साल में एक नए पैसे का नया टैक्स नहीं डाला है, और विकास के कामों को रोके नहीं है। पिछले वाली सरकार सेना अगर बुलेट प्रूफ जैकेट मांगती थी तो ये रोते थे पैसे नहीं है। वायुसेना आधुनिक लड़ाकू विमान मांगती थी तो ये पत्रकार वार्ता करके कहते थे सरकार के पास इतने पैसे नहीं है।
हमने तो एक रुपया टैक्स नहीं लगाया नया, पैसे हमारे पास कहां से आए? हम देश की सेना को मजबूत कैसे बना रहे हैं? हम टैक्स में लगातार कमी क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है, पहले लीकेज होता था, मोदी ने सारे बूच बंद कर दिए, और इसलिए ये पैसे जो किसी की जेब में जाते थे और जो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए फटी जेब दिखाते थे, एक जेब फटी रखते थे लेकिन दूसरी जेब में माल भरते थे। आपातकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी ने देशभक्तों को जेल में डाल दिया था, तो जो जेल में होते थे तो गुजरात के अंदर, वहां उस समय कांग्रेस में दो भाग थे, कांग्रेसी परंपरा के व्यक्ति जेल में आ गए थे, तो वो क्या करते थे, जब शाम को टहलने के लिए निकलते थे तो जेब में से कुछ लेकर के खाते थे, और सामने कोई मिलता था जेल के अंदर टहलते समय तो उसको भी जेब से निकाल करके मूंगफली के दाने या चने के दाने देते थे। कुछ दिन के बाद पता चला कि दाहिनी जेब में मूंगफली और चना रखते हैं और बाई जेब में काजू बादाम सब रखते हैं। खुद बाएं वाली जेब से खाते थे और कोई सामने मिले तो दाहिने वाली जेब से देते थे। ऐसे लोग दुनिया को एक फटी जेब दिखाते हैं, बाकी सारी जेब भरी रहती है। ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है।